इस वीडियो में मैं एक अच्छी खबर लेके आया हूँ जो कि बीएड वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है। तो यदि आपने भी बीएड किया हुआ है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। इसमें बीएड वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, सबको नौकरी मिलने का अवसर है। तो वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर आइए वीडियो शुरू करते हैं। नई शिक्षा नीति में बीएड करने वालों को अनिवार्य रूप से नौकरी देने की सिफारिश। बीएड के बाद बेरोजगार नहीं घूमेंगे छात्र। यह नीति केंद्र सरकार के पास विचाराधीन, देश भर से मांगे सुझाव। इंदौर, नई दिल्ली, अरविंद पांडे। नई शिक्षा नीति पर अमल हुआ तो आने वाले दिनों में बीएड करने के बाद लोग बेरोजगार नहीं घूमेंगे। फिलहाल यह नीति सरकार के पास विचाराधीन है, जिसे लेकर देश भर से सुझाव मांगे गए हैं। इसके तहत बीएड करने वाले छात्रों को अनिवार्य रूप से नौकरी देने का सिफारिश की गई है। इसके साथ ही बीएड में दाखिला लेने वाले छात्रों को मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति देने की बात भी कही गई है। नई प्रस्तावित शिक्षा नीति में शिक्षक के पेशे में अच्छी प्रतिभाओं के न आने को लेकर भी चिंता जताई गई है। साथ ही कहा गया है कि यह तभी संभव होगा जब शिक्षक के पेशे का सम्मान बढ़ेगा। इसके लिए जरूरी है कि उन्हें पढ़ाई के समय से ही अच्छी सुविधाएं, छात्रवृत्ति और पढ़ाई खत्म करने के बाद अनिवार्य रूप से नौकरी दी जाए। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी पहल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मसौदे में बीएड के 4 वर्षीय कोर्स पर तेजी लाने का भी प्रस्ताव है। मसौदे में शिक्षक तैयार करने वाले देश के 17,000 संस्थानों पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। इनके ढांचे को मजबूत बनाने की भी सिफारिश की गई है। पढ़ाई के अलावा सभी कामों से किया जाए अलग। नई शिक्षा नीति के मसौदे में शिक्षकों को अध्यापन के अलावा सभी गैर जरूरी कामों से अलग करने की सिफारिश भी की गई है। इनमें चुनावी ड्यूटी से मुक्त रखने, मिड डे मील या दूसरे सर्वे आदि कामों से अलग रखने की सिफारिशें की गई हैं। शिक्षकों को समय पर अध्यापन और तकनीक से जुड़ी विशेष ट्रेनिंग देने की भी बात कही गई है। शिक्षकों की जरूरत का हो अध्ययन। मसौदे में शिक्षकों की ज़रूरत का पता लगाने के लिए हर एक 5 साल में एक अध्ययन की भी सिफारिश की गई, जो प्रत्येक राज्यों को करनी होगी। इस पूरी कवायद के पीछे जो कारण है वह यह है कि शिक्षकों की आने वाली ज़रूरत को समय से पहले पहचाना जा सके, ताकि समय रहते जरूरी प्रबंधन किए जा सकें। निजी स्कूलों में भी TET पास शिक्षक की हो नियुक्ति। प्रस्तावित मसौदे में TET टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए भी अनिवार्य करने की सिफारिश की गई है। मौजूदा समय में यह सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए ही अनिवार्य है। तो दोस्तों, ये बीएड वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो छात्र बीएड कर लिए हैं या जो करेंगे, उनको बीएड करने के बाद बेरोजगार नहीं घूमना पड़ेगा, उनको सरकार अवश्य रूप से नौकरी देगी। तो यदि ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद एक छोटे से बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।